एक बहन, कितनी बहन? एक बहन, एक महिला बहन माता जो लंबे समय से घुटने के दर्द से परेशान हो और अभी भी बहुत दर्द कर रहा हो, वो बहन उठ जाओ। एक बहन जिसको लंबे समय से परेशानी हो और अब दर्द होना चाहिए, भाई उठते समय ऐसे एक्टिंग करे कि हाँ मेरे को दर्द है, आप देखिए। यहां बहन उठ गई, एक बहन लंबे समय से दर्द है। बहन कितने समय से? काफी का अर्थ 7 दिन भी है, 7 महीना भी है, 7 हफ्ता भी है ना, 7 वर्ष भी है। कहां से आई हो? अभी दर्द है? दर्द है। अब नहीं होगा, देखो माँ बोल रही है अब नहीं होगा। देखो अब है क्या? देखो है क्या? अब देखो कहाँ गया दर्द? देखो चल के आओ, अब देखो चल के टेस्ट कर लो, क्योंकि आजकल जमाना परीक्षा का है। अच्छे से चल के देखो, तुम्हारी नहीं तुम्हारी दादी जो मसान में सोई है उसका भी दर्द निकाल दिया पद्मावती, गायब हो गया दर्द। तुम्हारा दर्द तो निकला महाराज, तुम्हारी दादी का भी दर्द निकल गया। है क्या दर्द है? देखो नहीं है गुरुदेव। कहाँ गया? कोई कहे मैया सच्ची है। ए बहन को माइक दे बेटा, तू जा उनके पीछे जाना, तू अब ऐसे पीछे मत खड़, तुझे तेरे बाल देख के मुझे बहन है के भाई है ये समझ नहीं पड़ता। तू थोड़ा ध्यान से रे बेटा, चेहरा दिखाता रहे, क्योंकि तू जब पीछे मुड़ जाता है मुझे लगता है कि कोई माता जी मुझे दर्शन दे रही है, फिर अचानक याद आता है कि माता जी पीठ थोड़ी दिखाएगी, चेहरा दिखाएगी, फिर मालूम पड़ जाए माता जी नहीं है भाई साहब है। बोलो माता जी क्या आपका नाम है? अभी है क्या दर्द? नहीं अभी नहीं है। कहाँ गया? गुरुदेव, अच्छा बैठ जाओ माता जी। अब आपको वो नी कैप लगाना नहीं पड़ेगा माता जी, वो निकाल देना आप। किसी को बहुत सिर दर्द हो और अभी भी दर्द हो वो उठो, एक सिर दर्द वाले। सिर दर्द वाले उठे, सिर दर्द जिसका हो। मैं सिर दर्द बोल रहा हूँ माता जी, आप दूसरी जगह मत दिखाओ, मेरे मन में आया वो मैं करता हूँ। सिर दर्द वाले कोई है क्या बेटा? सिर दर्द वाले तो रहे गुरुदेव पीछे, सब बीमारी वाले आ गए। देखो मेरे पास हटो, ये पद्मावती हॉस्पिटल है। क्या है? हाँ पद्मावती तीर्थ धाम तो है, लेकिन देखो संसार में जितने डॉक्टर है ना वो वैद्य हैं, हमारे पार्श्वनाथ है ना वो कहते मैं वैद्यनाथ हूँ। क्या हूँ? किसको सिर दुख रहा है? गुरुदेव यहाँ से कहाँ है? माइक दिया उनको, उनको आगे बुला लेना बेटा, तू पीछे जा, मेरे को अब कौन माता है ना कौन भाई है ये समझ नहीं पड़े, तू इधर तरफ आ। गुरुदेव मेरा बहुत लंबे समय से सिर दर्द है। अभी है क्या? अभी भी है। आओ इधर आओ, आ जाओ, तुम्हारा समय आ गया आज, अच्छा समय आ चुका है तुम्हारा। बोलिए पद्मावती मात की। देखो आपको एक बात बताऊं, दूसरों के दुखड़े दूर करने वाले तेरे दुख दूर करेंगे राम। दूसरों का दुख दूर होते समय ताली बजाते रहो, आपका दुख अपने आप दूर होगा। कहां से आई माता जी? जयपुर राजस्थान से हूँ मैं। आपका नाम क्या है? आशा रानी है मेरा नाम, और मेरा काफी लंबे समय से सिर दर्द। वो सुन लिया मैं, वो घड़ी घड़ी मत बोलिए, वो तो एक बार। और है ना मेरी कमर का भी ऑपरेशन हुआ हुआ है, और है ना ऐसे लगता है जैसे मेरे कोई कीले गाड़ दिए, सिर में कीले गाड़ दिए, और मुझे खुद वैसे भी दिखाई देता है कि मेरे सिर में कीले गाड़ी हुई है ये, और मेरे को आप सपने में भी दिखे। माता जी अब हम नया बिल्डिंग बना रहे हैं, वहाँ कारपेंट्री का काम चल रहा है, काफी किले चाहिए हमको। हाँ तो निकाल लीजिए मेरे सिर से सारे। हाँ वो किले सब निकाल के वहाँ फिट कर। हाँ सब निकाल लीजिए, मेरे पीठ में भी ऐसा ही महसूस होता है, और मेरे है ना मैं। चलो अभी ज्यादा मत बोलो, देखो डॉक्टर के पास आप बोलना चाहिए कि डॉक्टर बोलना चाहिए, तो फिर मुंह बंद रखो, शांति रखो। देखो अब गायब हो गया सिर दर्द, देखो किले निकाल दिए, 9 किले थे किले निकाल दिए। अब देखो सिर दर्द है क्या, कमर दर्द भी है क्या, देखो गायब हो गया क्या? थोड़ा थोड़ा, थोड़ा थोड़ा कैसे रहेगा माता जी, तुम्हारा बाप मैं मजबूत हूँ, थोड़ा थोड़ा कैसे रहेगा? जय जय गुरुदेव।
एक बूंद भी रहा तो मेरा नाम बदला लूं, एक अंश भी रहा तो नाम बदला लो। ऐसे साधना नहीं करके आया, 22 साल तक हिमालय में लटक के आया हूँ, ऐसे नहीं आया हूँ। हाँ। ऐसे नहीं आ गया कि तुम्हारे सामने यह कहानी करता बैठू, पूरा लटक झटक के आया हूँ। देखो अब है क्या? नहीं, अब दर्द नहीं है। नहीं है? हाँ अब जाओ, कीले कीले तुम्हारे सब कीले पीले जो भी थे हमने हमारे कारपेंटरी काम के लिए निकाल दिए। आज से खुश जाओ, कहीं भी जाओ, माँ का प्रचार करो, गुणगान करो, उपकारी की भक्ति करो, जाओ तुम्हारा काम समाप्त। सब कीले गायब हो गई।